गाइस, मैं हूँ फेयर और मैं हूँ हैंडसम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेयर एंड हैंडसम। तो देखते रहिए, हम आपका एंटरटेनमेंट जारी रखेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना। गाइस, सुबह के बज गए हैं 6 और मैं उठ गया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ। अभी बस थोड़ी देर बाद यानी 8 बजे यहाँ से रूम खाली करना है। 11 बजे की है हमारी ट्रेन, तो यहाँ से धीरे धीरे जाएंगे और वेटिंग रूम में जाके इंतज़ार करेंगे, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि 8 बजे तक खाली करना ही पड़ता है, यानी 24 आवर्स के लिए ही रूम अवेलेबल होता है। जितने बजे आप आओगे उतने बजे चले जाओगे। तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल हैंडसम सर का ब्लॉग। लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो गया, बाहर ठंडा है लेकिन अंदर गर्मी हो रही है। अरे ऋषभ उठ गया, गुड मॉर्निंग। दीदी सोई हुई है, तुम लोग तो सुबह भस्म आरती करने जाने वाले थे, हैं? नींद ही नहीं खुलती, कितनी बार उठाया मैंने। चलिए मैं नहा धो लेता हूँ, मिलते फिर नहाने के बाद। सो गाइस, नहा धो के हो गया हूँ तैयार, ऋषभ भी तैयार हो गया, सिमरन भी तैयार हो गया, मैंने पैकिंग सेकिंग सब कर लिया है क्योंकि 8 बजे यहाँ से चेकआउट करना है और फिर हमारी ट्रेन है 11 बजे की। तो हम अब जा रहे हैं इंदौर। इंदौर पहुँच के कहाँ जाएंगे वो आपको बता देंगे, तो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना और बने रहना मेरे साथ। देखते रहना मेरा यूट्यूब चैनल हैंडसम सर का ब्लॉग। लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना यार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लेना, नहीं तो आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। चलिए, जय श्री माता। तो भाई, सुबह के बज गए हैं 7 और हमने रूम कर दिया है चेकआउट, आ गए बाहर। अब यहाँ से लेंगे रिक्शा बाहर से और चलेंगे स्टेशन। तो भाई, बाबा जी को कर दिया बाय बाय और अभी हम निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। स्टेशन पे वेट करेंगे हम 3 घंटे, 3-4 घंटे स्टेशन पे वेट करेंगे, क्योंकि होटल का कैसा है 8 बजे के बाद फिर वो लोग डबल चार्ज लगाते हैं। यहाँ का कुछ ऐसा रूल्स है, वैसे तो 12 बजे तक होता है होटल के सिस्टम से, 12 बजे तक चेकआउट होता है लेकिन यहाँ पे 8 बजे ही चेकआउट होता है। चलिए मिलते हैं आपको स्टेशन पे। तो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं स्टेशन पे और यहाँ है वेटिंग रूम में। 11:30 बजे तक यहीं पे वेट करना है, 11:30 बजे हमारी ट्रेन आएगी तब हम निकलेंगे इंदौर। गाइस, बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, अभी तो 8:15 बजे हैं, 2-2.5 घंटे और वेट करना है। गाइस, नाश्ते में यहाँ का फेमस पोहा, वैसे तो मुंबई का भी होता है फेमस। चलिए नाश्ता कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। Thank you.
9 मिनट का यहाँ पे है 150 रुपये। ऋषभ वहाँ पे दर्शन कर रहा है और मैं आपको दर्शन करवाता हूँ उज्जैन स्टेशन का। ये है स्टेशन उज्जैन का। एक साल पहले हम यहाँ से निकले थे तो मत्था टेका और भगवान से मांगा कि हमें यहाँ पे दर्शन के लिए बुलाओ, और भगवान ने एक साल के अंदर अंदर ही हमें बुला लिया, इसलिए वो तो दिल में रखो कुछ भी, भगवान सुनते हैं सबकी। तो गाइस टाइम हो गया 10:50 और हमारी ट्रेन आने वाली है 11:20 पे। तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। यही है क्या? पे ये तो 4 पे आ रही है बीकानेर स्पेशल। तो गाइस हमारी ट्रेन लग गई है और आ ही रही है, वो 5 मिनट में आ जाएगी। तो फाइनली गाइस यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग इंदौर के लिए, और ये इंदौर पहुँचा देगी 2 बजे, यानी 2 घंटे लगेंगे अभी, 2.25 घंटे। तो चलिए आपको मिलते हैं इंदौर में। तो फाइनली गाइस पहुंच गया हूँ इंदौर, और हमारी ट्रेन बिफोर चल रही थी यानी टाइम से पहले पहुंचा दिया। अच्छा है यहाँ से हमारी बस है 2 बजे की, वो मिल जाएगी। तो चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो गाइस हम लोग इंदौर से निकल गए हैं और ये बस है भाई जो लेकर जाएगी। इस बस का किराया 140 रुपये है। तो अगर आप लोग आते हो तो स्टेशन से जो बस स्टैंड है ना, सिर्फ महज 300 मीटर दूरी पे है, कोई रिक्शा करने की ज़रूरत नहीं है कुछ नहीं। और यहाँ का टेम्परेचर भाई, गर्मी हो रही है ज़बरदस्त। हमने एसी बस का किराया पूछा लेकिन एसी बस नहीं जा रही है वहाँ पे। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। देखो हम पहुँच गए हैं MP में खंडवा शायद, और अब मैं बता देता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं दर्शन करने ज्योतिर्लिंग के ओमकारेश्वर महादेव, यानी उज्जैन जाके आए। उज्जैन जाने के बाद अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर, जो कि नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है। तो वहाँ जा रहे हैं दर्शन करने, आपको भी दर्शन कराएंगे। बने रहना मेरे साथ और देखते रहना मेरा YouTube चैनल हैंडसम सर का ब्लॉग। लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी सब्सक्राइब कर लो, और हाँ बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लेना, नहीं तो आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बस हमारी रुकी हुई है तो पैर सीधे करने के लिए, और ये देखो मंकी ब्रांड
आपको दिखाऊं वहाँ पे, देखो एक मंदिर दिख रहा होगा। वाओ, ये कितना ही खूबसूरत है। कभी करूंगा वरना नहीं। अरे मैं गिर जाऊंगी। अरे ये दोनों शीशो खेल रहे हैं। अरे देखो मेरे ऊंचाई दे रही, थोड़ी खड़ी हो और लटकाने में मजा आता है ना। मैं बैठ गया तो तुम दोनों ऊपर चले जाओगे। चलो चले। हाँ। चलो, होटल है श्री श्याम प्रसादम फैमिली रेस्टोरेंट। तो भाई ये है होटल, टाइम कम है नहीं तो यहाँ का पनीर मसाला हम चेक करते हैं कैसा। छोले समोसे ढक के रखा हुआ है, क्या लेंगे? कहाँ है खमन? खमन तो है, खमन नहीं है भाई, पोहे। यहाँ से ले लिया है स्नैक्स वगैरह। कितना हो गया? 100 रुपये। ओके। तो भाई जहाँ से बस ने छोड़ा है, बस स्टैंड पे छोड़ देती है, इसके बाद यहाँ से रिक्शे वाले लेकर जाते हैं आगे तक। यहाँ से एंट्री है। चलो ठीक है, अपन साथ में जाएंगे। ठीक है, रुकना ना यहाँ। हाँ गाइस, पहुंच गए यहाँ पे। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, जहाँ पे आपको बस छोड़ेगी बस स्टॉप से रिक्शा वाला यहाँ तक लेकर आता है और वो 20 रुपये सवारी है। वहाँ पे आप किसी से 10 रुपये बात करेंगे तो भी यहाँ पे आपको 20 रुपये सवारी ही देना पड़ेगा। कम से कम 10 लोगों को एक रिक्शे में बिठा के लेकर आता है वो, तो ध्यान रखिए। और यहाँ पर हमने ले लिया है रूम होटल श्री कृष्णा, है ना? जय श्री कृष्णा में। तो मुझे एसी रूम 1200 रुपये में मिल गया, तो आई थिंक ठीक ही है। 200 रुपये जो बंदा लेके आता होगा उसका कमीशन होगा और 1000 रुपये रूम का होगा। ठीक है, मेरे बजट में है क्योंकि एसी है और हमारे बच्चों को एसी के बगैर चलता नहीं है। नहीं चलता है बट मजबूरी में चलाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जब मजबूरी होती है, बजट कम होता है, तब चलाना पड़ता है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि इनको ज़्यादा सहूलियत मिले, ताकि बच्चे जब बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, फिर हमारा भी ध्यान रखेंगे। आप बूढ़े होंगे। नहीं, मैं बूढ़ा होऊंगा जब मैं, आप लोग बड़े होंगे, मैं बूढ़ा होऊंगा, तो मेरी भी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे। चलिए आपको रूम का टूर करवा देते। तो ये है रूम और ये है ऋषभ और ये सामने एसी 20 पे किया हुआ है, ठंडा नहीं हो रहा है अभी भी। बहुत दिनों से गरम गरम होगा। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी अच्छा है। ठीक है, वॉशरूम अच्छा है कि नहीं पहले उसकी चेक कर लो। वो देखो सामने ओंकारेश्वर। ओह वाओ, और सामने ओमकारेश्वर टेम्पल है जो दिखा देता हूँ आप। सामने है ओमकारेश्वर टेम्पल जो कि नर्मदा नदी को पार करने के बाद उस पार है, और इस पार है ममलेश्वर। तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर इधर दर्शन करना ज़रूरी होता है। तो ये देख लीजिए, मैं जूम करता हूँ, आप लोग भी दर्शन ले लीजिए। सामने देखो शिव जी की मूर्ति है। शिव जी नहीं है, वो शंकराचार्य जी है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर शंकराचार्य। ये देखो, तो चलिए स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। और पूरी सीरीज आ रही है तो हमारे भी दर्शन हो रहे हैं और आपके भी दर्शन हो रहे हैं। तो चलिए
बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल हैंडसम सर का ब्लॉग, क्योंकि मैं हैंडसम हूँ। भगवान Hold me close till I get up. Time is barely on our side.